अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, योर स्किल में आपको खुश आमदेद। आज की वीडियो बड़ी ख़ास है क्योंकि इसमें मैंने पूरा प्रैक्टिकल करके बताया है। जो लोग किसी नए कारोबार की तलाश में हैं उनके लिए ये वीडियो बड़ी ख़ास है। एक वीडियो पहले मैंने शेयर की थी आपके साथ, मैंने बताया था पाकिस्तान में नया कारोबार शुरू होने वाला है। अब वो शुरू हो चुका है, चंद शहरों में शुरू हो चुका है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में उसने शुरू होना है। पहले मैं आपको उसके मुतल्लिक गवर्नमेंट का शेड्यूल दिखा दूं कि गवर्नमेंट ने उसके मुतल्लिक क्या अहकाम जारी किए हैं, क्या गवर्नमेंट का शेड्यूल है, उसको आप ख़ुद ही पढ़ लें। और गवर्नमेंट के फिगर के मुताबिक 55 अरब रुपए की जो है मार्केट खाली है उस बिज़नेस के लिए, क्योंकि वो अब बंद होने जा रहा है, उसकी जगह नई चीज़ें आएँगी। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में करोड़ों रुपये बताए थे, तो ये तो अरबों की गेम है, यहाँ पर अरबों की मार्केट खाली है, अब आप उसको ख़ुद ही पढ़ लें। ये गवर्नमेंट की तरफ से शेड्यूल आ चुका है, ये आप पढ़ सकते हैं सारा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था करोड़ों रुपए का शापर सेल हो रहा है, यहाँ तो गवर्नमेंट के अदादो शुमार के मुताबिक 55 अरब रुपए के प्लास्टिक बैग इस्तेमाल हो रहे हैं। मैंने तो आपको करोड़ों बताए थे, यहाँ तो अरबों का मामला है। इसको आप पढ़ सकते हैं जी। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग पे पाबंदी लगा दी है, और उसकी जगह अब मार्केट में क्या नई चीज़ें आई हैं। और पिछली वीडियो में भी मैंने मटेरियल आपको दिखा दिया था कि ये होने वाला है, ये मटेरियल आने वाला है। उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहले जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी वो काफ़ी जानने वालों ने भी वो वीडियो देखी, तो वो कहते हैं भाई वीडियो तो आपने बना दी, हमें दिखा भी दिया, अब इसका कोई सस्ता रेंज ही कर दें। तो हमारा एक भांजा है अली, तो उसकी मदद से कुछ माल अरेंज हुआ है, वो सैंपल मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। अली भाई का भी थैंक यू। 5-6 किस्म के सैंपल हैं, वो सारे मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है, अगर इस वीडियो के ज़रिए किसी भाई का रोज़गार लग जाता है तो ये शेयर करने वाले के लिए भी सदका जारी है और मेरे लिए भी। ये मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ जो मेरे पास माल पहुँचा है। एक ये है जी, ये साइज़ है, एक ये साइज़ है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है, एक ये है, और ये छोटा साइज़ है, ये भी छोटा साइज़ है ब्लू कलर में, और ये भी एक छोटा साइज़ है, और इस थैले की थिक ज़रा ज़्यादा है, ये महंगा है थोड़ा सा। और इसके अलावा जो है कुछ प्राइवेट कंपनीज ने ये बनाए हैं, ये काफ़ी कॉस्टली है। छोटा जो है वो कुछ 26 रुपए का बता रहे हैं, बड़ा 45 रुपए का। गवर्नमेंट ने भी इसी तरह के बनाए हैं, पर ये लगता तो प्लास्टिक है, पर उनका कहना ये है कि ये गल जाता है। तो जो मैंने तैयार करवाया है वो भी यहाँ पे पड़ा है, बाकी मैं आपको दिखा दूँगा। ये है, ये मैंने तैयार करवाया, ये आगे आप इसको देखेंगे इसकी तैयारी। अच्छा, इसमें एक ये कपड़ा भी है, ये काफ़ी मोटा है, और ये भी आजकल इनकी भी बड़ी मांग है, ये जो इस तरह के, ये खाकी अखबार के ऊपर तो पाबंदी है क्योंकि उसकी स्याही जो है नुकसानदेह है, पर ये खाकी लिफाफे चल रहे हैं। अच्छा, मशीन के ऊपर एक बैग तैयार हो रहा है, वो देखें आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल शॉपिंग बैग की तरह, बिल्कुल सेम, ये उसी तरह साइड से, और इसकी ये जो सिलाई की जगह है ये कोई गर्म डाई सी होती है, वो इसके ऊपर घूम जाती है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है, मटेरियल इसका यही है डिस्पोजेबल, ये इस तरह का कपड़ा है, ये साइज़ है। एक इसमें जो है ये साइज़ है बड़ा, ये देखें, ये बड़ा साइज़ है, ये भी नीचे से खुल जाता है। अच्छा, एक पुराना थैला मेरे पास पड़ा है, मैं आपको दिखा दूँ, ये कुछ अरसे के बाद ये देखें इस तरह गल जाता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें साइड से, और ये देखें ये इस तरह कुछ अरसे के बाद ये ख़त्म हो जाता है, इसको इसीलिए डिस्पोजेबल कहते हैं। और ये एक जाली है, ये आगे आपको दिखाता हूँ इसका, इसकी उन्होंने सिला, ये बड़ी मज़बूत जाली है,
इसके इसका भी थैला बन जाता। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे तैयार किया जा सकता है, बहुत ही आसान तरीका है। इससे पहले दो तीन बातें मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। इस्लामाबाद में तो जो लोग रहते हैं उनको तो पता है प्लास्टिक बैग पे मुकम्मल पाबंदी लग चुकी है। अब दुकानदार जो है वो चीज़ें हाथों में पकड़ा रहे हैं, तो शॉपिंग बैग जो है वो महंगे पड़ते हैं। अब जिसने 100, 150, 200 का सामान लेना है तो दुकानदार 20, 30, 40, 50 रुपये का जो है उसको वो थैला दे रहे हैं। अब कस्टमर को 30, 40, 50 रुपये का जो बैग है काफ़ी महंगा पड़ता है, उसके लिए चाहिए को 2, 4, 5, 7, 8 रुपये की कोई चीज़ चाहिए, ताकि दुकानदार जब कस्टमर से 10 रुपये चार्ज करे तो वो भी खुश होकर दे दे, दुकानदार का भी काम चल जाए, कस्टमर का भी काम चल जाए। अब इसमें जो कास्ट नीचे ले के आएगा तो वही बंदे कामयाब होंगे जो इसकी डिस्पोजेबल शॉपर की कास्ट कम से कम नीचे ले के आएंगे। अब हैरानगी की बात यह है, यहाँ पर प्लास्टिक बैग की पाबंदी के बावजूद जो कस्टमर है, जो आम आदमी है, वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा इसके ऊपर कि शॉपिंग बैग क्यों बंद हो गया। वो भी इस चीज़ के ऊपर जो हर दुकान की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ ख़रीदनी हो तो जी शॉपिंग बैग जो ज़िंदगी का एक हिस्सा सा बन गया था प्लास्टिक बैग। कई लोग कहते हैं अच्छा हुआ जान छूटी, क्योंकि इसकी वजह से जो है ना गंदगी भी फैलती है और बीमारियों का भी बाइस बनता है, सीवरेज भी बंद रहती है। तो कई लोग तो कहते हैं जी ठीक हुआ अच्छा हुआ बंद हो गया। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पे एक शहर है हुंजा, वहाँ पे तो काफ़ी टाइम से इसके ऊपर पाबंदी है। तो उन लोगों ने घरों के अंदर कपड़े के थैले बनाना शुरू कर दिए, बड़े खूबसूरत वो थैले बनाते हैं। तो वहाँ पर ये कारोबार वहाँ पर एक इंडस्ट्री की सूरत अख्तियार कर चुका है, क्योंकि वो लोग ये थैले बना के बाहर भी भेजते हैं। माशाल्लाह वो लोग हर काम में खुद कफील हैं, तो बड़े खुशहाल वो लोग हैं, आप उनको गूगल पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन हम डिस्पोजेबल बैग की बात कर रहे हैं, तो इसको आप कारखाने के पैमाने पे भी कर सकते हैं, घरेलू लेवल पे भी आप इसको कर सकते हैं। सारी डिटेल आगे मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी इसकी बड़े पैमाने पे मार्केट खाली है। अभी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी कोई नया कारोबार आता है, जो लोग उसके अंदर पहले इंटर हो जाते हैं तो वो बड़ी दूर तक जाते हैं, उनको अपने पांव जमाने में बड़ी आसानी होती है। किसी भी काम में जो लोग बाद में इंटर होते हैं, बाद में आते हैं जो लोग, उन्हें बड़ी मुश्किल होती है मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है उसमें। ये ऐसा ही है कि पहले आए पहले पाएँ की बुनियाद पर, जो पहले आ गया वो ज़्यादा पा गया, जो बाद में आया उसे ज़रा मुश्किल होती है। एक भाई लाहौर में हैं जो ये प्लास्टिक के शॉपिंग बैग हैं, होल सेल का काम करते हैं। इस सिलसिले में मेरी जब उनसे बात हुई, मैंने कहा आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप क्या यानी कि समझते हैं इसका हल क्या होना चाहिए। तो वो जो भाई थे उन्होंने अपनी मुझे राय दी कि ये जो प्लास्टिक बैग है इसकी गेज को जो है मोटा कर दिया जाए। तो मैंने कहा जी उसे क्या फ़र्क पड़ेगा। कहने लगे जी ये प्लास्टिक बैग एक तो जो है ना दोबारा भी आपका इस्तेमाल हो जाएगा, दूसरा अगर आप इसको फेंकते हैं, इसको कोई कचरे वाला कूड़े वाला उठा के वो भी इसको प्लास्टिक के उसमें जो प्लास्टिक का कचरा सेल होता है उसमें इसको जो है ना वो बेच सकता है। तो अब बात यह है कि वो भी 8-10 रुपये का पड़ता है, तो क्या फ़ायदा हुआ, फिर वो प्लास्टिक का प्लास्टिक। और दूसरी बात है कि दूध आप किस में डालेंगे, अब इतने महंगे थैले में दूध तो नहीं डाल सकते। तो वो ये मैं समझता हूँ कि ये जो है ना उसका हल नहीं है, इसके लिए कोई अब नई चीज़ जो है ना मार्केट में लेके आनी चाहिए। इस तरह की कोई चीज़ हमने बनानी है, दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है, तो अब ये जो इसके लिए जो है लोग चाइना की तरफ भाग रहे हैं जी, चाइना से बनवाते हैं। मैं अब पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ भाइयों कोई चीज़ तो अपनी बना लो आप, कुछ तो अपने मुल्क के लिए आप कर लें, हर चीज़ के लिए आप बाहर तो ना भागें। अब ये शापरों थैलों के लिए भी आप चाइना जाएंगे, चाइना से सस्ती पड़ेगी। चाइना कोई दुनिया से बाहर तो नहीं है, वो भी दुनिया के अंदर ही मौजूद है। तो आप लोग खुद कोशिश करें अपने मुल्क को खुशहाल करने के लिए, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार दें, हर चीज़ के लिए बाहर ना भागें छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो ये आपको मैंने हुंजा की एक मिसाल दी, आप उनको देख सकते हैं गूगल पे जाके, वो लोग कितने खुशहाल हैं। अब जो लोग समझ बूझ रखने वाले लोग हैं वो इस मार्केट को कैप्चर कर जाएंगे, क्योंकि एक अब नए सिरे से ये काम शुरू हो रहा है। ये मार्किन का रोल है जी, ये पूरा रोल है जनाब, ये मार्किन का रोल है जी, ये पूरा रोल है जनाब, ये सामने आपको रोल नज़र आ रहा है जिसके शॉपर बनते हैं। इसका कपड़ा आपको मैं दिखा दूँ,
ये कपड़ा है जी इसका, एक ये छोटे साइज में, ये ब्लैक कलर और वाइट कलर दो कलर मौजूद हैं इनके पास, एक ये बड़े साइज में, एक ये ब्लू कलर में भी है। ये 5 फुट लंबा है जी, ये वाला, ये इसके साथ एक ब्लैक पड़ा हुआ है, ये ब्लैक है और ये वाइट है। इसकी 5 फुट लंबाई है, इसकी 7 फुट लंबाई है, ये 7 फुट लंबा है। ये जाली है जी, ये 350-350 रुपये के मीटर। इसमें से इस्तेमाल भी किया आपने? नहीं, इसमें इस्तेमाल नहीं किया, ये इतना गोता है जी। देखो वीवर, ये उस रोल का कपड़ा है जो मैंने आपको रोल दिखाया था। अब ये भाई इसकी कटिंग करने लगे हैं, पहले तो घर में की थी कटिंग। वसीम साहब इसको ज़रा सीधा करें, ये कपड़े को फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड करके एक ही दफ़ा कटाई कर लेंगे इसकी। ये भाई कटिंग करने लगे, ये अभी फालतू इसलिए रखा है, अंदर से फोल्ड भी हुआ भाई, ये अंदर से फोल्ड भी है। करें जी कटिंग, ये जो भाई ने कटिंग की है, ये कितना, ये 17 इंच लेंथ है और ये है 13 इंच, ये 17-13 का बैग है। ये इससे इन्होंने थोड़ा बड़ा ही काटा है, इसकी एवरेज आई है मीटर में से 6, ये उससे छोटा साइज़ है। ये तकरीबन भाई कह रहे थे मीटर में से 9 कटेंगे, ये कितना है जी? ये 12-15 इंच, ये 12-15 का साइज़ है, ये 9 बनेंगे और इससे एक छोटा साइज़ है ये वाला। ये तकरीबन कितने बन जाएंगे इसमें से, इसका साइज भी बता दें, 13 और 13 13 का तकरीबन 16 पीस। ये साइज़ जो है ना, ये 16 बनेंगे, ये साइज तकरीबन 9 बनेंगे और ये बड़ा साइज है, ये तकरीबन इससे भी बड़ी कटिंग की है, ये 6 आया मीटर में से। ये जो डिस्पोजिबल कपड़ा है उसको भाई ओवरलॉक करने लगे हैं, आप इसको लंबाई में काट के, आप इसको लंबाई में काट के लंबा ओवरलॉक भी मार सकते हैं, एक ही ओवरलॉक कर दिया, बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा ये ओवरलॉक हुआ है नहीं हुआ, शायद करीब से आपको नजर आइए, देखें। अब इसको उल्टा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ओवरलॉक तो नज़र ही नहीं। ये भाई टक लगा रहे हैं, ले जनाब ये हैंडल तैयार हो गया इसका, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं इसको। और ये तो कैंची से काटा, एक ब्लेड सा कोई सांचा सा बन जाएगा, वो उसको आप 4-5 थैले इकट्ठे रखे ऊपर रख के मारते रहें इसके और इसको टक लग जाएगा, वो आसान तरीका है। कैंची से ज़रा टाइम लगता है, एक बनवा लें इस तरह का ब्लेड सा बन जाएगा, खरादिया बना देगा, ऊपर रखा चोट मारी 4-5 थैलों पर सारा कोई इकट्ठा टक लग जाएगा, ये बन जाएगा हैंडल इसका। ये बारीक जाली है, इसके ऊपर भाई ओवरलॉक करके दिखाते हैं, ये बड़ी मजबूत है, खींच के दिखाएं ज़रा, ये खींच रहे हैं, खींचने से फटती नहीं है, ये बड़ी मजबूत है। और इस पे मेरे ख्याल मुश्किल है थोड़ा सा ओवरलॉक, इसकी सुराख खुले हैं, इस पे भी हम ट्राई कर लेते हैं। ये भाई डबल करके इसको ओवरलॉक कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको सैंपल दिखाने के लिए ये ओवरलॉक कर रहे हैं भाई, इसका बैग नहीं बन रहा, एज ए सैंपल ये दिखा दें, ओवरलॉक हो गया जी, खींच के दिखाएं, खुलता तो नहीं है,
لیں جی زبردست زبردست یہ اوور لاک نہیں کھل رہا اس کا بڑا مضبوط ہو گیا جالی بھی بڑی مضبوط ہے اور اس کے تھیلے بڑے کامیاب رہیں گے میرے خیال سے اس جالی کے تھیلے بہت کامیاب رہیں گے بھائی نے اوور لاک کیا ہے دیکھیں بڑا زبردست اور نیلی جالی پہ کرتے ہیں نیلی جالی پہ بھائی کرنے لگے ہیں کیونکہ شاپر تو اب نہیں ہے کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا ہے نا اس کا نیچے سے بھی کر دیں دیکھیں ذرا کھینچ کے دیکھیں کھلتا تو نہیں ہے نہیں کھل رہی جناب زور سے کھینچ ذرا یہ بھی نہیں کھل رہی جناب زبردست اس کا بھی بیگ تیار ہو گیا جی جالی کا یہ کلو کے حساب سے ملتی ہے 400 450 روپے کلو یہ جناب یہ بیگ تیار ہو چکا ہے اس کا یہ ایسے ہی ایز اے مقصد ٹرائی کے لیے ہم نے بیگ تیار کیا اور زبردست تھیلا تیار ہو گیا یہ تین قسم کی تھیلیاں ہیں نیلی وائٹ یہ وائٹ ذرا زیادہ مضبوط ہے اور ایک یہ مضبوط تو یہ بھی ہے پر اس کو کھینچ کے کھولنا پڑتا ہے کھینچ کے پھر دکھا دیں بھائی کو ذرا یہ اتنی چوڑائی اس کی ہو جاتی ہے جی کھل کے یہ بہت زیادہ چوڑائی ہے اس کی لینتھ آپ نیچے گانٹھ مارتے رہیں اس کے نیچے گانٹھ مار دیں ذرا اتنی لمبائی پہ ہاں یہ گانٹھ مارتے رہیں اور اس کو کاٹتے رہیں یہاں سے کاٹ دیں اس کو یہاں سے اب کھول کے دکھائیں اس کو ہاتھ ڈال کے اندر کریں یہ دیکھیں جی زبردست جالی تیار ہو گئی ہے شاپنگ بیگ کا الٹرنیٹ بہت زبردست اس میں سامان بھی نہیں گرے گا اور پھٹے گا بھی نہیں چینی وغیرہ نہیں ڈال سکتی باقی سامان اس میں سارا ڈال سکتا ہے یہ تین قسم کی جالی ہیں یہ بلیک کپڑا جی اس کو شمیز کا کپڑا بھی کہتے ہیں اٹل اس کو کہتے ہیں اس کی یہ ڈبل کیا ہوا ہے بھائی نے اس کی 26 inch چوڑائی ہے اب یہ ڈبل کر کے 13 inch یہ بہترین سائز ہے تھیلا بنانے کے لیے یہ ابھی اوور لاک کرتے ہیں بھائی دکھاتے ہیں آپ یہ بھائی تھیلا تیار کر رہے ہیں یہ تھیلا تیار کر دیا بھائی نے یہ بڑے سائز کا تھیلا ہے اور باقی چھوٹے سائز کی کٹنگ کی ہے اس کی اوپر والی سائڈ بھی اوور لاک کر دیا بھائی نے اور اس کا یہ رول ہے یہ پیرو شوٹ کا رول ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس میں 60 meter ہوتا ہے رول میں یہ تقریباً 100 rupees کا ملتا ہے اگر ہول سیل میں کہیں پتہ کریں تو شاید سستا بھی مل جائے یہ 100 rupees کا رول ہے جی یہ والا اور اس میں 60 meter ہوتا ہے تقریباً 1.5 meter پڑتا ہے بھائی دیکھتے تنی کتنے لگے گی ذرا رکھ کے دیکھیں اس کی کٹنگ کر دیں اس کو ناپ لیں اب یہاں پہ یہاں سے کٹنگ کریں اس کی لینتھ چیک کریں اس کی لینتھ چیک کر لو کتنا 19 18 کا کا 1.5 feet تقریباً ایک سائڈ لگے دو سائڈوں میں 3 feet تقریباً 1 gaz لگے گا جی یہ ایک تھیلے کو 1.5 rupees کی تنی لگے گی تھیلے کو یہ 1.5 rupees کی لگے گی ایک تھیلے کو یہ پیراشوٹ کی تنی اگر کہیں سے سستی ملتی ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں یہ تھیلا تیار ہے جی بھائی نے تنیاں لگا دی ہیں اگر کوئی آپ کو آسان طریقہ ملتا ہے تنیاں لگانے کا آپ وہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں یہ انہیں تنیاں لگا دی ہیں تھیلا ذرا سیدھا کریں یہ پورا یہ بڑے سائز کا تھیلا بنایا ہے یہ تقریباً اگر آپ اس کو ہول سیل ریٹ پہ خریدیں 10 rupees کا تقریباً آپ کاسٹ کرے گا اس سے نیچے بھی آپ اس کی کاسٹ لے کے آ سکتے ہیں اوور لاک جو ہے سلائی کا سب سے آسان طریقہ ہے اوور لاک سائڈوں پہ بھی اوور لاک کیا بھائی نے اندر والی سائڈ سے یہ سارا تو مشین پہ ذرا ٹائم مشین پہ ٹائم لگتا ہے نا تھوڑا یہ اوور لاک پہ آسانی سے ہو جائے گا 20-25 hazaar rupees کی مشین ملتی ہے میرے خیال اوور لاک کی
तो उससे आसानी से ये बन सकता है। हो सकता है आज की इस वीडियो से किसी का रोज़गार लग जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोबारा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।